दोस्त लो नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा मिलेगा. आई एम सॉरी. अस्सलाम वालेकुम सबको दोबारा से. क्या पता क्योंकि मैं आज से जो है सोच रहा हूँ कि मैं ही बैठ के करूँ जहाँ मैं करता हूँ हमेशा, जहाँ मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील यू करता हूँ कि मैं अगर लाउड होता हूँ घर में या पता है अपार्टमेंट छोड़े कंजेस्टेड लोग यहाँ पर हैं तो उसमें होता है कभी कभी कि बाहर जो है तला आती है भाई जरा आवाज़ कम कर ले कल्ला कहता है भाई क्या कर रहा है कल्ला कहता है आवाज़ कम कर ले नहीं कल्ला ऐसे नहीं बोलते हम लोग बोलते मैं बोलता हूँ आमतौर पर. तो शहनाज महमूद सलाम अलैकुम. उम्मीद आप खैरियत से होंगी. गेट पर्सनल विद खालिद एंड रिहान टुनाइट. हमारे पूरे लास्ट वीक और वीक बिफोर लास्ट वीक का रिकैप इंशाल्लाह इज़ गोइंग बी फन. मजा आएगा. चलो जब तक आप लोग जमा हुआ. फैजान मसूद कैसे हैं आप ठीक होंगे? तो अहमद रिहान भी अभी आने वाले हैं. अरे जब याद आती है वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती है. वो सारी बातें किसको सुनाऊं? अच्छा यही है भूल ही जाऊं. ओहो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं. आरजू ये होती है अपना कह सकूं इसलिए तो कभी मैं सोचता हूं कुछ ना कुछ कहूं. फिर ये सोचता हूं क्यों ना चुप रहूं. अस्सलाम वालेकुम दोबारा से आप लोगों को. बहुत बहुत सारे लोग आ गए. रेहान भी मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए. रेहान भाई जाना चाहिए शो स्टार्ट करें. दो हफ्ते से नहीं किया हमने यानी शो. कमर अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं? मोहम्मद मुसवर खान अरे मेरे दोस्त क्या क्या ठीक है म्यूजिशियन दोस्त मेरा. एजाज भाई साउंड वाले मशहूर बस साउंड मेरे दोस्त जनाब वाला अस्सलाम वालेकुम. अच्छा मोहम्मद मुसवर खान हो गया ठीक है. अच्छा बहुत सारे लोग आ गए यार. सिद्दीक मेहर सिद्दीक मेहर सिद्दीकी अस्सलाम वालेकुम. भाभी कैसी हैं? उम्मीद है ठीक होंगी. सिद्दीक अच्छा ये भी हो गया. एंड इफ्ती मेरे दोस्त छोड़ो सब कुछ चलो चलो खालिद भाई लाइव आ गए. चलो थैंक यू मेहर. अबे हाँ यार बंद करें आप लोग अपनी सारी चीज़. मैं जब बैठा हूँ तो अस्सलाम वालेकुम सबको. अच्छा तो मिसबा मेरे दोस्त अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल गुड टू सी यू गाइस सॉर्ट गॉड आई मीन इट्स अ प्लेजर. हमारा जो मकसद जो है ना ये पूरा ही होता है कि वो सारे म्यूजिशियन जो बैठे हुए आए अमेजिंग पीपल आप लोग. अल्लाह आप लोगों को इस दुनिया में जन्नत नसीब करे कसम से. ऐसे बारे में क्या बोलूं वो सब मिल जाते हैं यहाँ पर. आई मीन सच एन इमोशनल थॉट टू थिंक अबाउट. मैं नहीं झूठ बोल रहा आपसे कसम से. इफ्ती मेरा पक्का दोस्त मौजूद है यहाँ पर. अभी रिसेंटली मैंने अपना पेज स्टार्ट किया थोड़ा सा. आई हैव टू प्लग माई पेज एंड आई एम खालिद एंड दिस इज गेट पर्सनल विद खालिद रेहान. Ifti Malik is the guy who did all the promotions and things and people like whatever what they do. But it's a beautiful check. My page out, Khalid Shoaib. Anyways, so Ifti, thank you very much for all the work you do. अच्छा और कोई नहीं आया बस राफे इसरार मेरे दोस्त. अस्सलाम वालेकुम आपको भी. और कोई बात नहीं हुई ज़्यादा वही मैं करी चली आ रहा हूँ बस. अरे जकी साहब अस्सलाम वालेकुम क्या बोले तो फिर नहीं मालूम. तोशी भट्टी भाई अस्सलाम वालेकुम. अच्छा अब अहमद रिहान मुझे अब देख नहीं रहे. अब मैं क्या करूँ? मैं आपको अच्छे अच्छे गाने सुना सकता हूँ और इसके अलावा क्या करूँ? अहमद रिहान ही आ जाएंगे. अहमद रिहान is one of the busiest men alive, especially in Pakistani community in North America. Sahi bata raha hu. Chalo fir main bhi gaata hu hamesha aap logon ko gaake sunata hu hamesha. Kya tha wo? Bata na. Are bhaiya, wohi wala jo khoobsurat se gaana hai, dil chahta hai ki ye main ये गाना जब बना लिया ना तो मेरे जहन में आया ये गाना हर उस इंसान के लिए होना चाहिए जो गाना किसी जो इंसान किसी अपने से भाई को बहन को छोटी को कजन को वाइफ को हर एक को ये कह सके कि डोंट वरी अबाउट इट आई एम हियर फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए हूँ ना. मैं हूँ ना. परेशान क्यों होती है मिसबा मेरे दोस्त. अरे रेहान भी आ गया. मैं खत्म करवा जल्दी से. रहना हंसते रहना आंसुओं की बातें आंसुओं से कहना रहना आंसुओं की बातें आंसुओं से कहना.
जीना हम जो भी आए हंस के पीना सेना दुख नहीं सेना तेरे लिए बैठा मुझसे ही कहना रहना हंसते रहना आंसुओं की बातें आंसुओं से कहना इस गाने को गा के बस थोड़ी जज्बाती रहता हूँ. अच्छा कमल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू. नया मैं मेरी प्यारी तो नहीं कैसी हो मेरे दोस्त, शुक्रिया. थैंक्स फॉर जॉइनिंग. अर्जेंटीना वो दूसरा था गाना है, रहना अर्जेंटीना. अभी ये कहाँ से आ गया, वो दूसरा गाना था. अच्छा अरे मेरे दोस्त अहमद रेहान, मेरे चमकदार तरीन इंसान जो है अभी फील्ड में आ चुका है. क्या खूबसूरत किसी ने कह दिया आखिर में, मैं पढ़ लूँ ताकि. थैंक यू नजीब फारूक, आई अप्रिशिएट यू ब्यूटीफुल. थैंक यू आगा जगीन, ब्यूटीफुल फॉर मिस बा, थैंक्स लॉट, आई अप्रिशिएट. अच्छा इफ्ती मलिक, आई लव यू टू मैन, एवरीबॉडी, आई मीन व्हाट अमेजिंग ग्रुप ऑफ पीपल यू गाइस आर हियर मैन, आई लव यू गाइस, थैंक यू. अच्छा मैं चेक करूँ फॉर्म हमारे अहमद, अहमद को लेना. अहमद अहमद कहाँ हो तुम, अहमद. अच्छा अहमद ऐड कर लो ना, ऐड तो किया व्यूअर्स में, क्यों नहीं. अब यार अहमद भाई आपने वो नहीं भेजा मुझे, रुका भेजते ना आप रुका क्या होता है वो ये देखिए मुझे, मैं भेज रहा हूँ, आप रुका ना भेजिए, मैं भेज रहा हूँ. अब मैंने रुका आपको भेज दिया हुजूर, अब आप जब इसको पसंद फरमाएं इस पर क्लिक करें, क्लिक और आप एकदम से पहुंच जाएंगे आप रखा हमको में. ब्यूटीफुल तोशी बाटी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैन. अच्छा मिसबा सेंड समथिंग, खालिद कहाँ कहाँ से निकाल कर ला यार. मिसबा I love to make music. I've never been a keyboardist. I don't call me a keyboardist. They love me for that. I don't know for some reason. I think my mother thought that my keyboardist was a sip. I ate a sip. Hadi ka ko maine naraz kar diya ek dafa. Ye story pe discuss karenge. Thodi tafri baat thi, misunderstanding badi badi ki. So we can talk about that. Ahmed Rehan, can we now? Acha ji. To bahut shukriya Rashid Iqbal. Thank you. Rehan, agar aap mujhe ya to ruka aap bhej diye. या फिर मैंने भेज दिया तो आपने कबूल नहीं किया अभी तक. यार ऐसा भी तो नहीं करें ना जिंदगी में, जिंदगी में कभी तो मेरे बात को मेरे भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू बहुत. यार ये गाने जब मैं आपको बताऊँ सिंपल सी बात, जब मैं थक जाता हूँ ना सड़ गया आगे घर में आज से पहले गाड़ी में ये हो गया टाइम मेरा अपना गिटार निकाला और शुरू हो गया. रेहान के आने से पहले मैंने रिक्शा चला थोड़ा सा आप लोगों के सामने, तो चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ. दिल चाहता बस कुछ जो हो रहा है दिन क्या अफेक्ट उसमें नहीं आने देता, मैं ट्रैक दिन भर थके हुए जो पंचायतें वो फिर मैं चाहता हूँ नहीं आए. म्यूजिशियन रहिए सर, ऑल यू हैव टू डू रियान इज no, you are not waiting. I don't see you. Listen, just go get out and come back in and then send me a request so I'll approve it in a second, Rehan. I think something not right. I don't know. थैंक यू खुरद, बहुत शुक्रिया. तालिब शेरवानी अस्सलाम वालेकुम मैन, जबरदस्त आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं. और अगर आप लोग नहीं होते, मैं सोचता हूँ अगर आप लोग नहीं होते तो कोई और लोग होते, कोई और लोग तो क्या पता बहुत बुरे होते. मोहसिन खान हमारे मशहूर प्लेबैक सिंगर जानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत हैं, टाइट समझ इसका. मोहसिन खान अभी नजीब चावे दजी में आने वाले, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा. देखिए इसको किसका अंतरा सुना दूं, इसका अंतरा रहना का अंतरा मैंने सोचा नहीं, एक पंडोरा बॉक्स बना के बंद करती है, खोद दूंगा दोबारा किसी वक्त. जीवन की भीड़ में सांसें जो ना ले सको तो चली आना मेरे संग, फिर घर बनाना, घर बनाना. आज जीवन की भीड़ में सांसें जो ना ले सको मेरे संग, फिर घर बनाना, घर बनाना. साजिद नकवी कैसे हैं आप, रियान आई एम वेटिंग फॉर यू. अरे रातों के मुसाफिर हैं तो जागेंगे सारी रात, सारी रात. म्यूजिक है, स्टूडियो है तो
गाएंगे सारी रात डेली रूटीन से थक जाओ सर थाम लो मेरे संग फिर घर बना यार मेरे समझ से बाहर है सलाम बहुत शुक्रिया अच्छा समझ से बाहर ये हो रहा है रेहान मैंने तुम्हारा देखा हुआ था लव दिस सॉन्ग थैंक यू अप्रिशिएट हमने चौधरी थैंक यू म्यूजिक है ऑफिस है समझ गया रेहान भाई इससे पहले मैं आप लोग के कमेंट पढ़ूं रेहान भाई से काम जरा कर लूं रेहान भाई मुझे आपका वो नहीं मिला इन्विटेशन जिसे कहते हैं बट लेट मी ट्राई टू डू इट अगेन मैन लेट्स सी अहमद रेहान सेंट I don't have no. It's already sent. Let me see. Hold on one second. Let me do this one too. Okay, hold on one second. Rehan, this time. Let's see what happens. Khalid, you are big at it. चमकदारियत अब आप इस देखेंगे चमकदारियत यहाँ पर फैल जाएगी मेरी पूरी स्क्रीन के आधे हिस्से के अंदर और फिर आप देखेंगे मैं हाँ जी जी मैं पता नहीं क्या कह रहे हैं आप आ जाइए हुजूर मैंने भेज दिया हुजूर मेज़बान थैंक यू मैन अप्रिशिएट ज़ाकिर अहमद इज वॉचिंग मीनवाइल रेहान भाई जॉइंस अस हाँ भाई आपकी गाने अल्लाह करे कोई प्रोड्यूसर सुने फिल्म ले ले भाई ले ले मर्जी नहीं तो रेहान तो आ गया ना कम से कम यहाँ मेरा दस वालेकुम सलाम खालिद भाई ऐसा तो कभी ना हुआ कि हमारा और आपका लाइव आना टास्क बन जाए राइट बिकेम अ टास्क राइट मैं अभी एक मिनट पहले मैंने कहा रेहान किधर रेहान नहीं कर अभी आ रहा हूँ गो अहेड यप 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 नहीं नहीं सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम सब लोगों को खुशामदीद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और एक दफा फिर वही चाल बेढंगी सी जो पहले थी सो अब भी है और हम वैसे ही मौजूद फिर वही हम और वही अमीनाबाद खालिद साहब आप बताइए क्या हो रहा है क्या एक्शन है यार लाइफ कैसी चल रही है हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू सर आई एम ट्रीटिंग मी द वे इट ऑलवेज हैव नथिंग चेंज्ड एंड जस्ट पीपल लाइक यू मेक डिफरेंस मेक ऑलवेज देयर पीपल लाइक यू मेक डिफरेंस इन लाइव्स एंड पीपल लाइक यू हु जस्ट कम आउट एंड शाइन ऑन एंड पीपल लिसन टू यू एंड दिस इज ऑल वी हैव एवरी डे द न्यूज कमिंग अप यू रेहान ने कुछ कह दिया अब रेहान तुम्हारा मैंने वो पीस देखा अभी यार इजी साहब वालों का आप लोग यहाँ देखेंगे बड़ा अच्छा एक और यार सबसे पहले तो इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है और थोड़े से गैप के बाद हम लोग दोबारा मिले और आए और Of course, PME 90s and beyond अपने तमाम तर एजेंडे के साथ तमाम तर पॉजिटिविटी के साथ तमाम तर आर्ट्स एंड कल्चर की उन क्रिएटिविटीज के साथ मौजूद है और खालिद शुएब जिसको जिनको हम पीर पगारा भी कहते हैं इस ग्रुप का अच्छा हम नहीं कहते ये कहते हैं और हर तरफ फैला रहा है ये सुबह शाम प्रोपेगेंडा ये ग्रुप में मशहूर हो जाए आपस में हम लोग कि ये पीर पगारा स्टॉप इट नो खालिद पगारा साहब का पगारा साहब का है क्योंकि वो असल में खालिद भाई ने सब लोगों के इतने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं क्योंकि मैं बाकी लोगों के नाम तो आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि किस किस का क्या क्या नाम रखा हुआ है नहीं 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 बनी नहीं शमा भाई को नहीं नहीं बनी शमा बोतल शमा भाई को लेंगे तो वेल ये बोलते ये बताना यार बताने वाली बात है ये वंदे आप बताइए ये भी बताइए और मैं आपके आंसर पहले अगर आपने सुना हो तो उसका भी डिस्कशन जरूरी है क्योंकि सेम मैंने खा लिया था लेकिन यू पता है कोई बुरी बात नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी बट पीपल शुड नो एडी बडी थिंग्स लाइक दैट पीपल शुड नो अबाउट दिस थिंग्स आई थिंक व्हाई नॉट चलो गो यार कुछ भी नहीं था वो मैं बता देता हूं असल में नो डू नो व्हेनेवर यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट सो यार अभी 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 right. अभी यहीं से शुरू है गेम कुछ भी नहीं था वाज वेरी वेरी सिंपल थिंग हम लोग नाइट फ्लाइट बैंड था और उस वक्त हम लोग बड़ा बिजी बैंड तमाम लीडिंग स्टार्स के साथ बजाते थे और तमाम लीडिंग स्टार्स हमको अपने शोज में लेते थे उन हमारे और मरीना क्लब का एक बड़ा जबरदस्त शो था थोड़ा सा हमेशा म्यूजिशियंस के साथ अनलकी सीन ये रहता है कि बाज़ दफा
ऑर्गेनाइजर्स कॉन्शियसली उनको जल्दी बुला लेते हैं, यार 5 बजे पहुंच जाओ, 4 बजे पहुंच जाओ, खुदा और शो शुरू होता है 9 बजे, 10 बजे, खाने के बाद, 11 के बाद, और हम लोग मुंह बनाते कहीं 5 बजे से साउंड चेक कर करा के कोई 6 घंटे से तुम बैठे हैं खुदा की सही कह रहे उसमें, तू बोलो उसमें जो है ना, बोलो कभी बोलो, याद करा दिया मुझे यकीन जा रहा है, उसमें आदमी को नफरत हो रही है और एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं, और वो 11 बजे के, मतलब 4 बजे से घर से अटेंटिवली निकले, और पहले रास्ते में सांपों की कहानी की इसमें जो है ना, हमने किताबें वापस की भी डिस्कस लाइब्रेरी में, और भी उसके बाद करेंगे उसके बाद हम लोग जो है वो मरीना क्लब पहुंचे, साउंड चेक किया, ये कर करा के, अब रात के 11 बजे जब शो शुरू हो रहा है तो आदमी मर चुका होता है एकदम ना, यू नो, डाई डाउन हो रहा सही होता है कि बात यार क्या हो गया। उस वक्त खालिद भाई की शुगर लो हो रही है, कह रहे हैं रेहान भूख लग रही है, क्या सीन है अभी, ये तो खाना वाना पता नहीं नहीं। क्या अब ये इसके होगा। बारे में बताना चलिए कि वो वाकई वो नहीं मोटा मोटो वाले नहीं यार, भूख लग रही है हर वक्त नहीं, वो डायबिटीज थी, शुगर लो हो रही, सही कह रहा है, ये वाला नहीं भाई, वाकई शुगर लो भूख हो नहीं रही मेरे को खाना खिलाओ तो थोड़ा है। मैंने ठीक कहा हो जाएगी यार मेरे भाई की शुगर लो हो रही है, मैं तो मतलब पूरी चीनी की फैक्ट्री खोल मेरा दूंगा भाई वहां पे यार, यार, मेरा भाई खालिद आई नो भाई। दैट, रेहान ने ही मसला सॉल्व किया पर हाँ खराबी इसी में से हुआ हाँ कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ी देर में वहां वेटर शीटर घूम रहे थे, हमने उनसे वो कहा यार कुछ खाने पीने को ले, उसने साहब खाना पीना तो अभी यहाँ पे सर्व नहीं हो सकता, बट हमारे पास कुछ फ्रूट बास्केट मौजूद है। मैंने यार तू फ्रूट बास्केट लिया, हम लोग खा लेंगे। अच्छा अब उन्होंने कहा नहीं, बस आप ऊपर आ जाए, आ हम गए लोगों ने ऊपर आ गए, इसलिए भी दोबारा टाइम हो फल गया सही वल फिर रख दिए, और दोबारा हम लोग अटेंटिव हो गए कि अच्छा कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, और बड़ा उस टाइप का शो था कि तंबोला भी हो रहा है, और वो जो गॉल्फ चैंपियनशिप में जीते, बड़ा हाई फाई हाई ऑक्टेन शो था। बात आई वाज लाइक ओके, है अब जाके हम लोग बैठे हैं, और इतने में सेब खाना शुरू किया, और उसी वक्त मौत पड़ी कि अभी आ जाए स्टेज पे। खालिद भाई कह रहे अबे तो क्या करूं इस सेब का, मैं खाते अच्छा हुए खाता हूँ सिर्फ स्टेज पे आना, और शो अब कहने पर रेहान ने बता दिया वो कितना बड़ा था, रेहान को है बिल्कुल शो एकदम, और थोड़ी देर में हम लोगों को जुरैसिक पार्क और पूरा बढ़िया टैं होगा पूरा इंस्ट्रूमेंटल बजाना है, और ये, और वो बड़ा जबरदस्त माहौल। इतने में हदीका की एंट्री हुई, और उस आर्टिस्ट की एक बड़ी अजीब सी अब साइकी कट है गए कि पहले, अगर पहले वो पहले पहले बोले कि मैं सेब खाता हुआ और सेब उठा के मैंने रख दिया कीबोर्ड के ऊपर, अब बात की आ गया पिच कीबोर्ड के ऊपर पिच बेंडर वाले बेंडर हिस्से के वाले ऊपर हिस्से रख दिया आपने, में जहां जहां डिस्क ड्राइव के ऊपर अमूमन डिस्क रखी जाती थी वहां इन्होंने रख दिया। हम बराबर वाले कीबोर्ड पे मैं खड़ा हूँ, और उसमें से आराम से एक चक मैंने मारा, एक चक खालिद भाई ने मारा, दोनों आराम से ओके आई लगने गेस दी यार लेट्स सी। अच्छा आर्टिस्टों की एक बड़ी अजीब सी साइकी है कि अगर वो शो में हिट ना हो रहे हो तो सारा कसूर म्यूजिशियंस का हो जाता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अब वो जिस शो के अंदर, अब वो जो है मतलब ई फ्लैट दिल ने तेरा नाम ले रहा, अच्छा भाई अब वो फुल माहौल चल रहा, और वहां पत्थर के लोग आए हुए, बहुत कोई बुरी ताली ऑडियंस थी बजाने यार को वो, तैयार नहीं है, हमने बिल्कुल चली यूं गई करके पत्थर है, बैठे वो हुए ऑडियंस ही बिल्कुल चली गई थी यार यार बिल्कुल, बहुत बहुत वो, बस तेरी बहन भी तो शीदे के साथ भाग गई थी वाला सीन था। तो अब वो हम लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या ड्रामा है। इतने में हदीका ने मुड़ के देखा और कहा ये क्या नॉनसेंस, ये नॉन सीरियस चीज हो रही है, तुम लोग खा रहे हो पी रहे हो। अरे खा पी रहे थे, अब तो ये सेब को क्या करे सेब को फेंक थोड़ी फेंक नहीं दे सकते ना, वो स्टेज पे हमने बैठे सब लोग सेब रखा हुआ। भाई, वो नाराजगी हो गई, और उसके बाद जो है वो आसिम ने एक गिटार को जो है ना ट्यून करने की भी कोशिश वो की एक बहुत डिसेंट, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे खालिद वहदी का क्या, वी ऑल लव देम मैन ऑलवेज, तुम तो बता हमारी कितनी पहले की थी हाँ, मुझे, लेकिन बहरहाल लेकिन वो सब कुछ ऐसा इन सिंपल वर्ड्स ऐसी भंड हुई रोशनी कि फिर तकरीबन चिरागों में 6 महीने तक ना रोशनी ना रही, रही, बिल्कुल ना रही, घर पे आटा और भी नहीं उसके बाद रहा जो है बिल्कुल आटा भी नहीं रहा, और सलीम बच्चा की अम्मा के तारीखी अल्फाज याद आ गए मुझको कि एक दफा सलीम बच्चा जो ड्रमर थे हमारे, वो है अभी भी है वो हमारे पास है यार वो लियाकताबाद में रहते थे, तो वो एक दफा एक जमाने में बड़ा कर्फ्यू और हालात खराब थे, तो उनकी अम्मा ने कहा बेटा आज काम पे ना जा, हालात खराब है। हाँ कहने अम्मा अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो घर के हालात खराब हो जाएंगे। अच्छी बात है, तो हालात प्राइड तो वो हालात खराब हुए, 6 महीने तक कोई काम नहीं, और उसके बाद जो है कटा दिया हम लोग, वो कटा दिया मतलब हदी का तुमने कटवा दिया, नहीं नहीं इट वाज ऑल अ मिस बंच बंच ऑफ उस रबिश, लाइक उसके रिहान सेड दैट टू यू गाइस,
तो बातें ये वाली बातें करने का रिहान में ये तो तुम्हें उकसाने का मतलब ये था, पार्ट माय वर्ड उकसाना कि तुम कर दो कि सम टाइम वी शुड टॉक अबाउट दीस थिंग्स, सो गुड एंड बैड वी हैड, हमें फायदा क्या कराची स्टेज के होने का यार। यार खालिद भाई चले एक काम करते हैं, स्पीकिंग ऑफ हदीका, कोई अगर आपको हदीका का कोई गाना याद हो तो आई मीन थोड़ा सा अगर हो जाए तो, आई मीन दिल ने तेरा याद नाम दिल में लिया, मैं ट्राई दिल कर रहा को हूँ, मुझे तेरी याद याद अल्फाज है। नहीं है, मुझे नहीं याद तो बता देना ठीक है हाँ क्या। एक मिनट, क्या अच्छे याद दिला दिया तुमने। हाँ चलो ऐसा करता हूँ, लेकिन हदीका कियानी यकीनन हमारे मुल्क में नाजिया हसन के बाद अगर पॉप जॉनरा में किसी फीमेल ऑफ कोर्स वोकलिस्ट ने उस पूरे खला को, उस पूरे गैप को पूर किया बहुत फॉर्मली, आई मीन वैसे तो बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट आई लेकिन हदीका कियानी डेफिनेटली एक बहुत जबरदस्त हमारे मुल्क की आर्टिस्ट। अब गो कि उन्होंने अपना जॉनरा थोड़ा सा चेंज किया ओह है, यस नाउ ऑफ शी इज कोर्स, नॉट मोर, दैट नाउ नाउ शी इज मोर इन सूफी उम्र म्यूजिक का तकाजा है ना, और बस वो उम्र का तकाजा। सिडान सेटअप में, और जो है मेरा मैसेज उसमें जो है अच्छा ना, मैं कमेंट नहीं पढ़ू आई I मीन फिर mean, बात तो तुम्हारा पापा बात बात तो सच है, बात तो सच है, बात मगर है तो बात है रसवाई सुनाई। की। अरे परवीन शाकिर ने इसी यार वक्त के लिए कहा था उम्र तो ऐसी असल है, में वो। बड़ी हरामजादी चीज है कसम से, इट्स गोना हाँ पास यू, यकीन जा मोहब्बत रहे भी इतनी हैं। करती है, पास यू बाय सो फास्ट। हाँ अच्छा बात सुन, मैं कमेंट पढ़ू फिर तुम हाँ अपनी स्टार्ट करना दोबारा, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज भी रक्षा रक्षा दोबारा स्टार्ट करेंगे दोबारा कह रहे आप। हो तो इंस्ट्रक्टर गलत हो गया, सॉरी माफ कर देना मेरे रश्का दोस्त। रश्का हो गया था गबल, रश्का ये इस वक्त लाइव शो का गबल्ला है खवातीन आजाद रश्का रश्का। हो गया। अच्छा इजाज भाई हमारी बेस, साउंड वाली बेस, और कह रहे यार आमिर रिजवी को कोई बात, हाँ आमिर रिजवी की कोई बात हो जाए, आमिर रिजवी की बात जरूर करना, कोई भी दिल में आया आज करना, आमिर रिजवी का जिक्र होना चाहिए, इसको लेके घसीट के लाना है सब, यार ही हैज कंट्रीब्यूटेड रेहान, हाँ मेरे वो तुम बता रहा इस भाई बारे में। मेरे और एजाज भाई के पास तो बहुत सारी वो वाली बातें भी हैं जो कभी भी नहीं करनी, लेकिन बहरहाल अब नहीं जरूर करेंगे। आमिर रिजवी की कंट्रीब्यूशन के बारे में तस्कर जरूर करेंगे रेहान, मैं आपसे अच्छा कोई कर सकता नहीं ओ है। डेफिनेटली बिल्कुल करेंगे, चलो मैं बिल्कुल दिल्ली से करेंगे कमेंट आमिर करता हूँ। भाई। अच्छा तालेश वाली के लिए, आई एम एट जैस्मिन डैलस वेयर वी ईट टुगेदर। अच्छा किससे बात हो रही है, आपसे आपसे हो रही है। अच्छा यार नहीं आमिर नहीं कि वो कहीं और, किसी और का मैसेज लिख रहे थे यहाँ यहाँ टाइप हो कर रहे गया हैं। गलती, अबे क्या हो गया, वो लड़की को ऐसा नहीं करो, भाभी देख लेंगे आप। तालिम तालिम फंसवा दिए। अच्छा नजीब फारूकी हमारे चाय में नजीब के रूबरू वहां बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि रेहान भाई आमिर रिजवी का वो वाकया सुना दे जो आपने कौन लगा के सुनी थी। कान हाँ लगा भाई के बस सुनी थी अच्छा ये भी बता दे, एक और क्या है, मिसबा कह रहे हैं खालिद का शफीक। अच्छा मिसबा कह रहे हैं, हमारे प्यारे मिसबा कह रहे हैं खालिद एंड रेहान बी एसटी कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट कॉम्बिनेशन समथिंग लाइक दैट, स्ट्रेट आई होप सो। सलीम अख्तर इज वाचिंग, खासअब के आला प्रकाश एडवाणी फिल्म कर रहे हैं, हे सुने ना। अच्छा उसके बाद ये हो गए, वकार हसन वाज वाचिंग यू, तालिब कह रहे हैं कि कह दिया तालिब ने ऑलरेडी, नजीब फारूक कह रहे हैं सुपर डुपर शो थैंक यू यार, साजिद नकवी बैठे हैं, थैंक यू। सजाद नकवी भाई कह रहे हैं कि जवान ही रहे जीवन की राम है वो मेरे सॉन्ग, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। नजीब फारूक दोबारा कह रहे हैं बहुत आला। अच्छा इफ्ती मलिक कह रहे हैं एंटरटेनिंग टॉक एंड ब्यूटीफुल टॉकिंग, कुरत कह रही है उस्मान मानी इज वाचिंग यू, इफ्ती मलिक लॉट ऑफ पीपल वाचिंग यू मैम, इफ्ती थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फराज अहमद वरुण की गुहार क्योंकि काफी मिस हो गए, तो गुहार ने आई एम गोना रिकैप इट इन द शो एंड आई एम गोना लाइक कम एंड टॉक टू देम अबाउट थिंग्स, गो अहेड रेहान। यार कुछ भी नहीं, क्या सारे दोस्त बैठे हैं तो दिल तो यही चाहता है कि सारी मस्ती मजाक की बातें हो, हम अपनी इंडस्ट्री के लोगों को क्या एजुकेट करेंगे, आई मीन एवरीबडी, उनका हर एक का अपना एक लेवल है और हर एक की एक कंट्रीब्यूशन है, तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को हर आदमी अपने एंगल से देखता है। हम पीएमई के इस सेगमेंट में, मैं और खालिद भाई जो बेसिकली आते हैं, थोड़ी सी पीएमई को डिफाइन करने आते हैं, ऑलवेज बाकी सब चीजें तो इंटरनेट बेस्ड लोगों को पता ही होती है, लेकिन कंपाइल करके उसको एक थोड़ा सा डिसेंट मैनर में आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं।
पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो एज सच कोई मेजर नए गाने की कोई रिलीज नहीं है इस पूरे महीने में। सारे गाने जो भी रिलीज हुए सब लोगों ने अपनी न्यू रिलीजेस को बिकॉज ऑफ इलेक्शन रोका हुआ है, क्योंकि जाहिर है एक पूरा कौमी इवेंट है इलेक्शन, बिल्कुल और उसकी उसकी वजह से लोग अपना गाना रिलीज करके उसको बर्नआउट नहीं करना बिल्कुल चाहते या ठीक उसकी व्यूअरशिप को भी अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वैसे ही पाकिस्तान का ओवरऑल पॉलिटिकल सीन काफी, जिसे कह लीजिए कि पेनफुल होता है, और समहाउ हमारे मुल्क में अब कौमी खेल पॉलिटिक्स है। एक जमाना होता था कि हम जो है वो क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, फुटबॉल पे करते थे, लेकिन अब हर आदमी के पास मजहब पर और पॉलिटिक्स पे बड़ा बड़ा डिटेल ओपिनियन मौजूद होता है। हम पीएमई को हमेशा बहुत बहुत स्ट्रेट मैनर में इन इन दोनों चैनल से दूर रखते हैं, ना ही हम रिलीजन डिबेट में जाते हैं और ना ही पॉलिटिक्स पे जाना चाहते हैं। हर एक बिल्कुल का अपना ओपिनियन है, बिल्कुल हरे हर एक जो है वो किसी ना किसी को फॉलो करता है, हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मैं समझता हूँ म्यूजिशियंस को अपने दायरे में रहना चाहिए, और हम हमेशा अपने लिए एक ही बात करते हैं हम, के हम पे शेर था ना इफ्तखार आरिफ का, खालिद भाई, कि हम पे इस वसी हजूम की जिम्मेदारी नहीं, हम जवाबदेह हैं उस दायरे के जो हमारा है। तो हम अपने दायरे का, हम बिल्कुल अपने सही, दायरे के आप जवाबदेह, ये हकीकत भी है ना, म्यूजिक हमसे हमारा एक, म्यूजिक की बात कर ले, सॉरी सॉरी, गो गो मेरा रिमीट से, और आप सही हमसे कह, म्यूजिक की बात कर ले बस। बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल, गो रियल जस्ट वो लैग की वजह से आगे पीछे हो रहा है, मैंने गो और इलेक्शन की अगर बात करनी है तो इलेक्शन की बात मैं इस मैनर में करना चाहता हूं कि इलेक्शन हमारे लिए इलेक्शन ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ करता था। पीटीवी के जमाने में अगर आप गौर करें तो 70s और 80s के इलेक्शन में एक फनकार, म्यूजिशियंस के मुख्तलिफ गाने आ रहे हैं, और रात में एक एक शहर से दूसरे शहर के नतीजे बताने के दरमियान परफॉर्मेंसेज आती थी, कॉमेडी होती थी और मुख्तलिफ स्किट्स आप होते थे, एंटरटेन करते हैं लोगों और को, कितनी बड़ी बात है बड़े भाई, क्या एंटरटेन बात करते थे। आलमगीर भाई, शेकी भाई, तहसीन भाई, इन तमाम लोगों के गाने, बेंजामिन सिस्टर्स के बड़े मजेदार हम लोगों को गाने देखने को मिलते थे, और पूरी इलेक्शन ट्रांसमिशन को एंजॉय करते थे। अब क्योंकि एक से ज्यादा चैनल है और ज्यादातर चैनल जो है वो एंटरटेनमेंट से ज्यादा न्यूज चैनल बेस्ड हुए हैं, यार। तो वो ब्रेकिंग न्यूज और इस टाइप की उस टाइप की चीजों में थोड़ी सी ओवरऑल डिस्टरबेंस होती है। पीएमई के पेज से हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया, और अनकरीब आप एक इसकी जो है ना फॉर्मल वीडियो देखेंगे, जो हम कोशिश करेंगे कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल एक मिडिल ग्राउंड के अंदर पीएमई का स्टैंड पॉइंट जो है वो आप तक पहुंचे। तो वो हमारे बहुत ही जबरदस्त एडमिन मॉडरेटर जकी भाई जो है उसको पूरा वर्कआउट, पूरा वर्कशॉप में कर रहे हैं, एंड That डेफिनेटली वी was बिल्ड good. It समथिंग was good. फॉर I यू। heard a little glimpse of that. It was very good. Listen, Vihan, I have people who are talking to you and saying things right here, so I need to talk to them for a second. Hope you श्योर, won't mind. Rubina Bari is waiting. Rubina Bari, Assalamu Alaikum, कह रही हैं भाई. अच्छा, मिसबा खान कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो मैं इस सबसे आखिर में बताऊंगा आपको. इससे बाद जो है ना, वो खालिद भाई गाड़ी गाड़ी क्या वॉलमार्ट की पार्किंग में खड़े करके वीडियो बनाते. नहीं, ये श्योर, मेरे अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है यार, यहाँ पर इजीली बैठता हूँ. आई फील लाइक फ्री सोलो, सो जस्ट यू नो, आई डोंट वरी. बट ये हल्के हो जाओ ऊपर ना, ऊपर बोल, कल आके कहते अब बंद करो ना यार, क्या कर रहे हो, कल रास्ता बोले थे क्या, वेरी ये भी हो सकता है। ट्रू. थैंक यू फॉर द लव, फॉर योर लव टू पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री. जाहिद अली भाई कह रहे हैं. अच्छा, सजाद नकवी भाई एक और थैंक बात यू। भी कह रहे हैं, शायद वो नजीब मलिक बात की है, जो नहीं करूंगा मैं यहाँ पर क्योंकि वो बात जो है वो पॉलिटिकल है. अच्छा, साजिद नकवी कह रहे हैं फीचरिंग फराज अनवर, उन्होंने उनका गाना जो है ना आया है अभी, जसवाल, उमेर जसवाल, जसवाल जसवाल का गाना रिलीज हुआ है सर, कह रहे हैं वो अच्छा. और वो जो है फराज अनवर, उसमें गिटारिस्ट जो बेसिकली फीचरिंग की है. अच्छा, और कोई बात तो नहीं है, मैं देख लूँ साजिद नकवी हंस रहे हैं आप पे और मुझ पर भी, दोनों ऐसे नहीं रहा, ये जसवाली मैन. That's all it is. यूसुफ जमील कह रहे हैं ग्रेट गोइंग गोइंग ग्रेट. एंड नजीब फारूकी ने बोला, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी नहीं बोल सकता मैं. अच्छा बस खत्म, जो चाय तैयार है आ जाए, चाय तैयार है आ जाए. प्रकाश अडवाणी कह रहे हैं आपसे रेहन भाई. अच्छा, वो रेहन भाई कह रहे हैं डिस्चार्ज कर लेंगे आपको. शहजाद मंसूर देख रहे हैं आपको. मिसबा कह रहे हैं बेस्ट, वो जो बात मिसबा ने बोली थी वो थी बेस्ट कॉम्बिनेशन. मिसबा थैंक यू मैन, यू आर ओह थैंक यू सो मच। तभी आप, एक्सक्यूज मी,
बड़ी रेहान भाई आपसे मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन ये बात कोई अनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम ये नहीं होता क्योंकि आपसे आपको तो पता इतना वैसे मिल जाती होगी मुझसे पहले, मैं बताने से पहले आपको मिली होगी, बहुत रिसोर्सफुल आदमी है। Mizbah, and I've been talking about Mizbah is going to do something in a permanent show on our PME, man. Isn't it going to be great? Oh, right? Kya baat hai. Mizbah, thank you very much. Wow. Yaar, Mizbah bhai ka jab se hum logon ne mazedar interview aur gapshap saath lagaye, in fact, it's not interview, lekin jo gapshap hamari zabardast lagi thi, उसके बाद से तो वो MIA वाली कहानी थी, मिसिंग इन एक्शन, लाइक डेफिनेटली मिसिंग। अब जो कुछ अगर एक्शन ऑन होता है तो बहुत मजा आएगा, और एक बिल्कुल इसका माहौल यही है, सेमाय कैजुअल सेमाय सीरियस, कि आप खेल खेल में काम की बात भी कर जाए और काम काम के साथ थोड़ी सी खेल की बात भी हो जाए, और यही पीएमई का ओवरऑल है। तो वेल बॉटम लाइन टेक अवे जो इस पर्टिकुलर इलेक्शन टॉपिक पे है वो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने गाने रिकॉर्ड कराए जो हमारे पास न्यूज आई है, और इस इलेक्शन में काफी सारे लोगों ने मुख्तलिफ थीम सॉन्ग्स किए हैं। शहजाद रॉय ने 2013 में अंगूठा चलेगा एक गाना किया था, उसका रीडू रिमिक्स होने का अंदेशा है, एंड अली अजमत का भी एक गाना जो है इस इलेक्शन के हवाले से एक्सपेक्टेड है, एंड 2-3 और सॉन्ग्स हैं। उमेर जसवाल डेफिनेटली एक जबरदस्त, मुझे तो उनका रॉक योनरा पसंद था यार, क्या वो बंदा जबरदस्त रॉक गाने गाता था, उसके बाद अब अभी भी गाते हैं। अब जाहिर है जब से वो सेमी मेरीवाल कोक स्टूडियो में क्यूबी के साथ उनका एस्टेब्लिश हुआ, तो उसके बाद जो है उमेर जसवाल डेफिनेटली एक सुपरस्टार की हैसियत से, नए सुपरस्टार्स की हैसियत से हमारे दरमियान आए हैं। उनका एक बिल्कुल गाना है रिलीज हुआ जिसमें जो है गिटार्स भी उन्होंने बजाए, लेकिन जो मेजर रिलीज की हम बात करते हैं वो ओवरऑल इस तरह बात करते हैं कि जैसे तीफा इन ट्रबल आई मूवी, अब काफी सारे गाने मूवीज के हवाले से बनना शुरू हो गए, और जो पाकिस्तानी फिल्म का ट्रांजिशन हो रहा है पाकिस्तानी म्यूजिक का, खालिद भाई गौर कीजिएगा इस बात को क्योंकि आप एज अ कंपोजर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं, पाकिस्तानी रॉक एंड पॉप योनरा की हमेशा से एक फील रही है। आप स्ट्रिंग्स का म्यूजिक उठा लें, लाइव वायर्स, फ्रेंच बेनिफिट, जुनून, ये सब रहते पाकिस्तानी रॉक एंड पॉप की फील रहते। अब पाकिस्तानी मूवीज जब से सिनेमा रिवाइवल वाली बात आई है, दोबारा से जिंदा हुआ है, अब पाकिस्तानी गानों का मूड बहुत ज्यादा फिल्मी और ओएसटी बेस होता cool, है, ठीक like है? तो अब फिल्मी और एक रॉक एंड पॉप योनरा की जो पाकिस्तान का टिपिकल फील था उसमें बड़ी एक फाइन लाइन है जो कि सुनने में और बनाते वक्त आइडिया बिल्कुल 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 सही है, सही है, गाने का फैलाव कैसे लेके जा रहे हैं और गाने को कहाँ लेके जा रहे हैं। उसमें जाहिर है राहत भाई के हाई नोट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, आतिफ असलम का एक एक बिल्कुल इतना बड़ा गला जो है ना, वो अब तो आदत थी, यही मुझसे वहां भी ये वही मुझसे वही उससे बोला रेहान भाई से, गाना भी सुन लिया रेहान भाई, ये ऐसा ही नहीं हो जाए किसी को दिल चाह रहा भी नहीं। खालिद भाई बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर, कल कला तो कभी जिंदगी भर नहीं, अच्छा कभी मिर्जा ने कहा था यार तो फिल्मी नहीं बिल्कुल अभी बिल्कुल सुनाते तो खैर ओवरऑल जो है खालिद भाई पाकिस्तानी म्यूजिक में साहिर अली बग्गा शानी ये तमाम लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और जितने लोग पीएमई पे हैं हम उनको ये बात इसलिए बताते हैं या इसलिए उनको दोबारा याद दहानी कराते हैं कि म्यूजिक बहुत डिफरेंट डायमेंशन एंड डायरेक्शंस में हो रहा है। 90s के म्यूजिक से जो लोग जुड़े हुए हैं अगर वो अभी भी 90s की ही फील को जिंदा रखना चाहेंगे तो ओवरऑल वो म्यूजिक के सीन से पीछे हो जाएंगे। अब आप कोक स्टूडियोज को देखें, कोक स्टूडियो रोहेल हयात ने शुरू किया, फिर स्ट्रिंग्स ने कैरी ऑन किया, और अब जोहेब काजी और अली हमजा उसको कैरी कर रहे हैं, और अब कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर के नाम से उन्होंने एक जो है ना एस्टेब्लिश किया है पूरा सेगमेंट, जिसमें उन्होंने 5-6 मुख्तलिफ आउटडोर शूट्स की, और वो हमने पीएमई के पेज पे पोस्ट भी की थी जिसमें आरियाना और आमिरिना का गाना था और मैंगल एंड बैरम था, उसके अलावा चित्राल में जाके उन्होंने पूरा उसको शूट किया, फिर मिशाल ख्वाजा
एक जो है वो उनका गाना जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है, काफी सारी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कोक स्टूडियो से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कोक स्टूडियो मिनोटनेस का शिकार शिकार है है। यार, मतलब ये पॉइंट भी अपनी जगह है। कि एक म्यूजिशियन भी अच्छा चेंज करते हैं, सा वो सब कुछ उनके डिफरेंट जॉनर्स में म्यूजिक भी करते हैं, बट एक मोनोटोनी आ रही है। तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट अबाउट दैट, आई फेल्ट दैट। खालिद भाई, बात म्यूजिशियन की नहीं है। सेटअप द जॉनर, या एक ये गो अहेड। देखिए, एक हमेशा एक चीज हम डिस्कस करते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री जो है ना, वो आईकिया के फर्नीचर की तरह है कि एक उसके साथ बुक आती है, आप वन बाय वन ए को बी से जोड़ें, बी को सी से डी से डी, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो एंड में एक पुर्जा ज्यादा ज्यादा होगा। होगा या बचपन बचपन में याद है आपको, मकैनो आता था, मकैनो से गाड़ियां वाड़ियां मकैनो, बनाते थे तो उसमें एंड में होता था, मकैनो यार ये दो पुर्जे ज्यादा अभी है, याद आ गया, तो खुदा की कसम वो मेरे से याद यार किस आ किस्म का गया, काम याद है, आ गया मकैनो, भाई आप साहब सोचे। तो मकैनो इसी तरह जब ये आप आगे पाने छोटे थे, पानों मकैनो से पे देती बाल है में मुझे आएंगे, पता है यार, आप पाने एक खास पे एक माहौल था वो वो यार, पूरा याद आ गया, गो आई एम सॉरी, यार गो अहेड। पूरा एक काम था भाई, जज्बाती आपको बता रहा कन्वर्जन था, दो हूँ। एक मिनट पूछा, गो अब अहेड। वो जब म्यूजिक इंडस्ट्री में से आप एक डिपार्टमेंट माइनस करेंगे ना, जिसका नाम है म्यूजिक अरेंजर, जब ये पार्ट मिसिंग होगा, आप कितना भी अच्छा हाउस बैंड ले लें, कितना भी अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर ले लें, लेकिन अगर उसको बजवाना, ऑर्केस्ट्राइजेशन क्या करवानी है, तो वो एक पूरा अलहदा काम है। और जो कि मेरे सारे सीनियर्स जो देख भी रहे हैं और जो देखेंगे, उनको पता है कि वो क्या होता है। सब अगर अगर आरडी अगर अगर आरडी साहब ने पिया तू अब तो आजा बना दिया, ठीक है, तो मतलब वो डंडा, मतलब समझ रहे हो खालिद भाई, वो एक वो बिल्कुल, हो जाए यार पिया अब क्या तू, ऐसा पीएमई में पिया तू हो जाए ऐसा यार। नहीं करो, बुरी अच्छा बात है कमाल। चलो ठीक है, दो अब बार हमें जो हमारे गाना मना कर रहे हैं, आप गाना गा दे, अब वो कहेंगे मैं गाता भी है दी, अब तो मैंने गाना गाना देखे कैसा गा रहे हैं आप, वो अपना गा रहे वो, हैं अच्छा भाई जंगल में मंगल सुना दे यार, तेरी दम पे यही हो सकता जंगल। अब यार मकेलो पे, है। मकेलो पे गाना बना रहे हैं, मकैनो मकेलो पे भी आया था, मकैनो मकैनो और सांप सीढ़ी है ना, जंगला आएगा पे उल्लू। अच्छा एक मिनट, क्या हो रहा है हाँ साजिद सजाद नकवी भाई कह रहे हैं बैंड कल्चर हैज एंडेड इन पाकिस्तान, आई गेस आई डोंट नो, ये रियान बताएंगे, सोल आर्टिस्ट आर बूमिंग, अच्छा उसके बाद फिर मारा अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, वालेकुम सलाम मारा अब्बासी कैसी हो, अच्छा खालिद बहुत ही चालाक है, मैं हूँ मेरे, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत चालाक हूँ समहाउ। खालिद भाई इलेक्शन के लिए भी गाना बना दीजिए पीएमई के प्लेटफॉर्म से। इलेक्शन ही इलेक्शन, इलेक्शन ही इलेक्शन, अच्छा ये वाह, बनेगा क्या क्या है? नहीं कर रहा है नजीब, नहीं कर रहा, तहसीन जावेद भाई के बारे की, बारे की रिपोर्ट है आप लोगों को, तहसीन भाई के बारे में कोई रिपोर्ट है? तहसीन भाई को नहीं रिपोर्ट कोई, अब तो ह्यूस्टन में थे रिसेंटली, वो अगर बताते हैं अगर आपके पास कोई अगर खबर है, नहीं रिसेंट तो अदरवाइज वी कैन मूव ऑन। और फिर चेकआउट अब्दुल्ला तहसीन फ्रेश भाई, करियन, तहसीन भाई की रिपोर्ट कौन पूछ रहा है भाई? वो सज्जाद नकवी भाई पूछ रहे हैं। अच्छा और इससे पहले कि तुम बताओ ये जेब में रख लो, चेकआउट अब्दुल्ला कुरैशी वेरी यंग चैम्प, काली सांत्रो, राशिद इकबाल कुछ कह रहे हैं, वो देख रहे रेहान वो क्या, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो, एंड बाकी अरे एवरीबॉडी क्या लाफिंग एंड कमाल, एवरीथिंग, एवरीबॉडी इज वाचिंग, अहमद हसन जैदी माय पर्सनल, हमारे मेरे उस्ताद टीचर, अच्छा मिसबा कह रहे हैं माइक प्लस द मैकेनिक्स, अच्छा ये माइक प्लस द मैकेनिक्स हु आर दोस पीपल, शाहिद अली खान वॉचन, एंड या दैट्स इट। एंड भाई बैंड कल्चर के बारे में वो कह रहे हैं कि सोलो आर्टिस्ट आर बूमिंग, ये बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, और दूसरा वाली बात जो थी आपको सेकंड वाली आपको क्या थी बताई थी मैंने, तो तहसीन भाई यार तहसीन बैंड कल्चर देखो भाई, बैंड कल्चर, अच्छा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली ऑफ हो कोर्स सकता ऑफ है। कोर्स, हम कोई मुस्तनद इकाई नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, हम तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, देखने वालों का सुनने वालों का अपना ओपिनियन हो सकता है। ऑफ कोर्स, बैंड कल्चर खत्म तो कभी भी नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। अभी रिसेंटली पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स ही तो हुआ ना यार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें इतने सारे बैंड्स निकल के आए और इतने सारे लोगों ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और पूरी पूरी इंडस्ट्री ने उसको सपोर्ट किया, और एक एक बहुत जिसे कह ले रीजनेबल प्रोजेक्ट था। इसके अलावा बैंड कल्चर में स्ट्रिंग्स बैंड ने ही तो पूरा कोक स्टूडियो प्रेजेंट किया, सही और बात पूरा जिसे कह लो कि काफी काफी सारी चीजें। लेकिन
लेकिन मैं एग्री करता हूं इस पॉइंट से भी कि सोलो कल्चर भी किसी लेवल पे पैरेलल है। जब वाइटल साइन जैसा बैंड खत्म होके जुनैद जमशेद सोलो सरवाइव कर गए, और जुनून जैसा बैंड खत्म होके अली अजमत सोशल सर्कल अपने एल्बम के ऊपर 4 अवार्ड ले गए, तो लीड लीड वोकलिस्ट के पास हर वक्त गुंजाइश तो होती बिल्कुल है ठीक है। कि वो जो है बगैर देखो रेहान बगैर पैराशूट जंप इन हो बगैर सकते पैशन, हो। जैसे जैसे वाइटल साइंस का एक बैंड था, उस बैंड को उसके गाने वैसे ही रोमांटिक थे, तो बैंड टाइप का फील उसका था भी नहीं बेसिकली। लेकिन चलो अगर वो बैंड का फील उनके कॉन्सर्ट में देख के आता भी था, तो जब जुनैद जमशेद मरहूम अलग हुए थे, तो उन्होंने स्टाइल चेंज कर दिया फिल्मी टाइप, यानी नो वो हमें पाकिस्तानी की एक्सेप्शन वगैरह इस तरह के 2-3 गाने हैं, बाकी सारे गाने फिल्मी टाइप ही चले। तो म्यूजिक में भी बैंड आजकल बना रहे हैं कुछ रोमांटिक गाने, से मैं बनाता हूँ बहुत बहुत रोमांटिक, हर वक्त रोमांटिक जो है ना, मुझे आशिकाना ही भूत उतरता नहीं मुझ पर। तो मेरे ख्याल में जो आशिकाना टाइप के रोमांटिक टाइप के गाने जो फिल्मी उसके लेवल के हैं, बैंड्स आजकल उन पे शायद कर रहे हैं, तो इसमें से वो कहना चाह रहे होंगे अप्रोच जो है बैंड की तरह डाउन हो रही है और फिल्मी बढ़ रही है आगे। तहसीन भाई के बारे में बात जरूर कर लीजिएगा आप, उसके बाद आप बात कीजिए आगे। मैं एक अपनी को अच्छा, कोई आपने आशिकाना भूत कहा ना, तो वो थोड़ा नेट डिस्टरबेंस तो मुझे अजीब ही सुनाई दिया था, डर गया थोड़ी देर के एक तो आपको आवाजें अजीब अजीब आती है, लिए। मेरी तरफ से अजीब, मैं अजीब शर्मिंदा आता हूँ बाद में, कहती क्या कह रहा था, इसका मतलब क्या था ये नहीं, लेकिन लेकिन आप इसको क्लियर कहते हैं, आशिकाना भूत भूत। है, भूत का लफ्ज है ना, आशिकाना भूत। मैंने अरे कहा बिल्कुल आप क्योंकि आप कह रहे हैं आशिकाना भूत पे चढ़ गए, तो मैं थोड़ी हाँ, तो आपने देर के लिए समझ गया डर बिल्कुल गया। मैंने बिल्कुल, हाँ कहा बिल्कुल बिल्कुल। बासी नहीं, मायरा अल्लाह बासी कह खैर रही है करे। कि तहसीन भाई के बारे में, इससे पहले आप कुछ बताया, मायरा बासी कह रही है कि वो शिकागो आ रहे हैं, तहसीन जावेद एंड एजाज कह रहे हैं हाँ पीटीआई के पता नहीं गाने, और नहीं ये पॉलिटिकल बात हम नहीं करते यहाँ पर, सज्जाद भाई नकवी कह रहे हैं ओके। अच्छा मिसबा साहब ने कोई, मिसबा भाई ने कोई लिंक भेजा, चेक कर लेना बाद में। और फिली झडरी सॉन्ग्स, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या लिखा है, राशिद बैकर की आप देख रहे हो, राशिद इकबाल अच्छी बात लिखते हैं हमेशा, एंड के जे इज वॉचिंग। रेहान वो टॉक मुझे लग मतलब वो आसान अल्फाज में कह रहे हैं प्लीज जल्दी से गाना सुना गाना दीजिए, तो कोई कोई गाना हो हो जाए जाए खालिद खासा भाई। में गा दे, यार अरे तुम्हारे यार पास वाइटल साइन की, तुम्हारे घर नहीं, में मैं बस कहा खालिद भाई, डॉक्टर सुनो ने परहेज बताया, बोला दुनिया में दो काम, अरे ये कभी एक उधार नहीं लेना, एक गाना नहीं गाना। अरे ये मेरे डॉक्टर ने बताया है, को अजीब बात डॉक्टर ने कि बताया उधार लेना डॉक्टर ने बताया, यार। सोच रहा खालिद भाई बात हुई जुनैद जमशेद भाई की, मरहूम की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नो डाउट सुपरस्टार हमारा और बहुत अच्छी शख्सियत हम सब। मैं जुनैद भाई की जिंदगी का यूएसए का लास्ट टूर मैंने उनके साथ किया, यार। और बड़ा जबरदस्त टूर था वो पूरा। हम लोगों ने 12 शोज किए ऑल ओवर द यूएस, बड़ा मजा आया उनके साथ। और आखिरी मियामी का शो था जिसमें उन्होंने माइक रख के कहा डन। तो जुनैद भाई का कोई गाना हो जाए यार, खालिद भाई जो गाना आपके कोई दिल से करीब हो। एतबार आ ही जाएगा के अलावा एतबार यार, बहुत हो मतलब गया, बहुत बहुत एतबार बहुत ज्यादा, हो गया, मैं देखता अब तो एतबार आ भी नहीं रहा है। हूँ लड़की याद नहीं है ना, तरसा हो गया बड़ा सा, याद कौन सा गाना गा रहे? करना पड़ेगा ही गए।
भाई क्या बात है साहब, बहुत बहुत आला है। अबे कितना सुना है ये, क्या अभी ये गाना इतना सुन लिया रेहान तुमने भी मैंने भी, कि इसको जो दिल में आओ कर लो और वो अच्छा ही लगता है जैसा भी है, मतलब मैं उससे अच्छा जगह करूंगा, लेकिन क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज दैट रेहान, गो अहेड मैन। खालिद भाई ऑन ऑन अ ट्यूटर लेवल गॉड्स बता दें लोगों को, ताकि जो बाद में बजाना चाह रहे हो गिटार में कहां से बजाए तो भाग गया। अबे यार मैं लिख दूंगा, आखिर में लिख दूंगा, आप फिक्र नहीं करें, आपको लिख करके टाइम भी लगेगा। हां भाई कुछ मैसेज हो जाए, जैसे स्पेशली जो है एजाज भाई ने लिखा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। एजाज भाई वो आ भी जाएगी तब भी चैन नहीं आएगा, थरक किनते आई है समझे नहीं आए। नहीं 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 एजाज भाई को पता है, मतलब चंद लोग जो दुनिया में खवातीन के डसे हुए होते हैं उनको अंदाजा होता है कि वो आ भी जाएगी भाई तब भी चैन नहीं आएगा, तो ये बड़ी ये बकवास लगा बात। अच्छा मुझे कुछ रीजन की बात, तुम्हारी वीडियो जो है वो इतना से आवाज तुम्हारी बिल्कुल क्लियर आ रही है, तुम्हारी वीडियो जो है वो थोड़ी सी रुक गई है लेकिन स्टिल हो गई, लेकिन अच्छे पोज में स्टिल हो गई, यूट्यूब ही कर रहे हो फुल तो अब कैसी चल रही है, वीडियो नहीं मूव कर रही, लेकिन ये कि तुम्हारी आवाज ऐसी क्लियर आ रही है, ऐसे कुछ हुआ नहीं है क्या, मतलब अब सही हो गया, अब सही हो गया, गो अहेड। ओ अब मतलब मैं यूं किया तो वो सही हो गया, आपको पता ही वाला है करके, तो खूबसूरत सा एक पोज आ गया चमकदार टाइप। तुम पढ़ो कमेंट, मैं पढ़ूं जैसे मर्जी बोलो, या आप पढ़ेंगे बिल्कुल। अच्छा सलमान आरिफ कह रहे हैं कमाल खालिद भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया। मिसबा खान कह रहे हैं खालिद बेस्ट यूज ऑफ फॉल्सेट, थैंक यू मैन। आप सलमान आरिफ वाह कह रहे हैं, अच्छे सजाद नकवी चले थे साथ साथ हो जाए यार, बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा नजीब फारूक ने आपने इंसाफ किया गाने के साथ, मेरी तारीफ हो रही है फिलहाल, बेकार है। अच्छा यूसुफ जमील वाह जी, थैंक यू नजीब। यूसुफ जमील हमारे MYP के कह रहे हैं कि वूहू जे जे टाइम। आगा जकी कह रहे हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नजीब फारूकी थैंक यू, बहुत अच्छा वो कौन थी हो गया, हाय हाय ये क्या अभी क्या हो गया जी, बोरी पूछा गया, हाय 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 भाई क्या बात। अच्छा ये साजिद सजाद थैंक यू, सलमान आरिफ वॉचेस। अच्छा मैं सिर्फ तारीफें होनी है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का तारीफों का, लेकिन रेहान के लिए अच्छा हाँ गाना गाया रेहान भाई, गाने के लिए आपकी फरमाइश आ रही है भाई, अब मैं क्या बोलूँ आपको, आप देख लीजिए यार, इन लोगों को बताओ कि मैं पार्ट टाइम में भी सिंगर नहीं हूँ। रेहान किसी दिन कीबोर्ड के पास बैठ के बैठो, रेहान का कीबोर्ड सुनेगा बहुत मजा आता है कसम। अच्छा रेहान के बारे में छोटा सा ये लेट मी से समथिंग, Rehan, I found Rehan yeah, sure, playing please, keyboard somewhere. Achha, okay. Rehan, let me tell you, I did not know your skills and your things. I found you playing keyboard seriously, बहुत seriously, लंबा सा आदमी, तुमने पता लगा, लंबा सा बाल पफ निकाला, फुल नहीं पफ आ गए, पफ निकाल के बंदा लगा कीबोर्ड बजाने में, बजाना साइड पे चेक में भी कर रहा, फॉलो कर रहा अदर म्यूजिशियन को, साफ लग रहा है कि जूनियर है। और उसके बाद फिर मैं टाइम देखा कि तुम वैसे ही दुबला पतला आदमी, पफ निकाला हुआ, वही काम कर रहा है कीबोर्ड पे, लेकिन अब देख ही रहा है कि उसको समझ में आने शुरू हो गई थी म्यूजिक। फिर एक टाइम आया मेरे साथ खड़ो गए, हम लोगों ने बजाई म्यूजिक, एंड तुम्हारी म्यूजिक म्यूजिशियनशिप की वजह से भी इतना आराम से हर बात, रेहान को मुझे कभी कुछ कहने की जरूरत थी, रेहान ऑलरेडी गॉट दैट, एंड देन इसके स्किल्स जो मैनेजरियल स्किल्स है वो सारी मिला के, व्हाट एन अमेजिंग पर्सनालिटी यू आर, एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, पीपल शुड नो दीस थिंग्स, मैं तो मुझे जानते हैं, ऐसे जानते हैं, दे नो यू टू, बट दे शुड नो द बेस्ट which made you the way you are now. kya baat hai khan sahab, love you for music industry aur music, do cheeze hain, music karna aur music industry mein survive karna, ye do mukhtalif show hain, ye nahi karo dost, bahut sare log bahut acha music karte hain lekin industry ki survival wo oxygen tank, वो जैसे कह लीजिए ना कि वेंटिलेटर्स उनके पास हर वक्त होने चाहिए जिसमें उनको बहुत देर तक सांस आए। तो आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए स्कूबा डाइविंग का कोर्स बिल्कुल किया हुआ होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि वापस भी आकर डूब के वापस बचना कैसे, आना कैसे, डूब के निकलना कैसे, क्योंकि इसमें बहुत देर तक आदमी को सांस नहीं आती। हाँ। और इसमें दो 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 तीन तलाकें भी बीच में आ जाती कभी कभी, अगर बहुत दिमाग खराब हो, मूड स्विंग्स, और इंसान को पैसों का चाबुक तो पड़ता ही है, उससे वाले जेल भी जाना पड़ता, कोई रिस्क नहीं, जेल में भी चले जाते, जेल भी जाना पड़ता है, काफी सारी ऐसी चीजें जिसमें आदमी जो है ना कहता है कि यार इंडस्ट्री के अंदर बस एक ही दुआ जहन में आती है कि अल्लाह मुझे मेरे दोस्तों से बचा, दुश्मनों को मैं खुद निमट लूंगा। तो क्योंकि दोस्तों की मार, दोस्तों की मार बहुत भयानक होती है, बहुत भाई आपको पता है ना कि मतलब एक तो मुझे, एक तो तुम्हें भी याद होगी, इंसान मैंने किया था खबर
मिसबा कह रहे हैं एब्सोल्युटली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल मस्ट नो एंड मोर अबाउट द पीपल बाय एंड पीएमई। बहुत शुक्रिया मिसबा, यू आर जस्ट यू आर अ पार्ट ऑफ पीएमई, गॉड ब्लेस यू मैन। बता इजाज अहमद कह रहे हैं खालिद भाई गाएंगे और रेहान भाई कीबोर्ड बजाएंगे फुल शो। इजाज भाई को जो है फॉरन जो है ना, मैंने कह दिया आपको मैं बिल्कुल एजाज भाई के लिए एक भाई एजाज भाई के लिए मेरा एक मैसेज है। एजाज भाई बॉस साउंड, एक तो उनकी वजह शोहरत बॉस साउंड है, और दूसरी उनकी वजह शोहरत ये है कि वो हम बहुत पुराने सब साथ हैं एक दूसरे के, बहुत पुराने तो जाहिर है जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा साथ गुजारा है। एजाज भाई के साथ हम बैठ जाते हैं बाज दफा, तो पता नहीं कितने किस्से निकल आते हैं और हम कहते हैं यार ये भी याद है। बिल्कुल, तो एजाज भाई की बात का जवाब इतना है कि खालिद भाई गाएंगे, रेहान भाई कीबोर्ड बजाएंगे और एजाज भाई ड्रम बजाएंगे। एजाज भाई भाई नदीम चूहे की एंट्री में भाई मोटी औरत कैसे गिरती पूरा आइटम, मतलब पूरा जबरदस्त आ रहा था। लेकिन लेकिन कभी 8 बजे मेरे नदीम खान कॉमेडियन कॉमेडियन सर मैं आपको बताता हूँ, नदीम भाई जिनको लोग बहुत प्यार से नदीम चूहा कहते थे, और बाज दफा बिल्कुल हाँ, और वो बेचारे अक्सर फोन करते थे तो लोग जान के उनको ना पहचानने की अदाकारी करते थे। हेलो नदीम बात कर रहा हूँ, कह रहे कौन नदीम, यार मैं नदीम चूहा, तो वो लोगों को जो है ना मुस्कुरा देते थे। लेकिन सलाउद्दीन तूफानी हो, नदीम भाई हो, नो डाउट ये सारे बड़े मजेदार लोग थे और ये शो भी देते थे। शो सारे जूनियर बैंड का बड़ा काम है। सही बात है यार, सारे शो हमने किए, जूनियर बैंड का पूरा काम चलता। ओह यस हाँ, नदीम जो है बड़े शो होते थे फानी साहब के, नदीम के, और अमरीन फात कह रही हैं आपको मेरे साथ रेहान भाई और मटाने के लिए जल्दी से शदाब मुगल की मिसाल याद आती है कि उन्होंने बहुत टाइम लगाया लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए, वो सज्जाद नकवी कह रही है शदाब मुगल के तालों से, बहुत टाइम लगा लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए। इस तरीके से जबरदस्त यार यूसुफ जमील कह रहे हैं वेरी वेल सेड स्कूबा डाइविंग नाइस वर्क रेहान भाई। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट तो नहीं कहूंगा मैं उसको, रिसेंटली हमने एक खराज अकीदत पेश किया एहदी साहब को पीएमई के पेज पे। ओवरऑल हमारी कोशिश ये होती है कि 90s का म्यूजिक डिस्कस हो, जनरल गपशप लगे यार, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे बैठ के हम किस आधा पौन घंटे में किसी की जिंदगी की फिलॉसफी सही कराने के ना ही हमको करने की जरूरत है ना ही हम ये करने की सवाल करते हैं। वो कहते हैं ना गुड फॉर यू वाली बात है, जो जिस वर्ल्ड में रह रहा है खुश रहे और अपने आप से खुश रहने दें दूसरों को। सही बात। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो करंट अफेयर्स में कुछ ऐसी चीजें हों जो हम सबके दिल से करीब है, उनको उनको जरूर कवर करते चले। रिसेंटली पीएमई पे हमने एक प्रोजेक्ट को कवर किया था इस मैनर में कि एधी साहब जो कि यकीनन मोहसिन इंसानियत और एक बहुत बड़ा नाम है जनाब अब्दुल सत्तार एधी, दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस जिन्होंने जो है दुनिया में चलाई और आज तक उनका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी है और नोबल पीस प्राइज के लिए भी रिकमेंड हुए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी मानी शख्सियत, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है और एक आम आदमी सुकून से मर भी नहीं सकता, तो मरने के लिए भी एक पूरा पूरा एक माहौल चाहिए कि आप मर जाएं, और जब आप मर जाएं तो कोई आपको उठा के दफना दे, मिला दुला के, तो मांगा है, दफना देना, आपकी आखिरी आखिरी रसूमात को पूरा कर दे। लवारिस लोग, बीमार लोग, मेंटली रिटार्डेड, परेशान, तकलीफ दे लोग, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो कब्रिस्तान में कब्र ले सके, जिनके हालात नहीं है, एदी साहब ने एक अजीब सी अम्ब्रेला, एक अजीब सी शेल्टर बनाया जिसमें उन्होंने उन सबको समो लिया उसके अंदर। उनकी
बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, बहुत सारी चीजें तो हमें याद भी नहीं रहती, हमें तो सिर्फ इतना लगता है यार सदके का बकरा देना है तो एडी साहब के पास को जाके बकरा कटवाने के सही पैसे। ऐसा नहीं है, आप अगर पाकिस्तान को उठा के देखें तो वहां इतना बड़ा वैक्यूम है इन चीजों का। मतलब किसी जगह अगर एक जख्मी जानवर है, कोई 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 बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई परिंदा गिर गया है जख्मी, कहीं जंगल में कोई शेर चीता कोई ऐसा जानवर है, वाइल्ड लाइफ है नहीं है नहीं है, तो भी एडी साहब ने पूरा जानवरों तक का शेल्टर बना होम बनाया। हमसे ऐसा ठीक है, और फिर बताया कोई क्या फिर लावारिस लावारिस बच्चे बच्चियों की शादियां करवाना, लोगों को उस आदमी ने क्या नहीं किया। बहरहाल मुख्तसरन ये कि अभी जो 8 जुलाई गुजरा उसमें उनकी बरसी थी, हमसे जुदा हुए वे 2 साल हो गए, सन 2016 में उनका इंतकाल हुआ था और 2016 के बाद अब 2018 आ गया, और 1928 1928 की पैदाइश थी उनकी। तो हमने कोशिश की कि पीएमई के पेज से उनकी रिमेम्ब्रेंस को लोगों के सामने याद I रखें। invite you people तो to please go and check this thing. You will guys gonna love it. It's a beautiful production by Ahmed Rehan. Not only Ahmed Rehan, but the total account of Abdul Sattar Eidhi साहब की खदमात वो पूरा कवर किया. I urge you guys to go check this thing out. It's amazing. एंड डेफिनेटली उसमें सभी पूरे पीएमई की पूरी टीम Of है, course, of course. तमाम लोगों की कुछ ना कुछ इनपुट है, अरे लेकिन क्या कर सकते हमारे जो आगा भाई जो है उनकी आगा जकी की जो है वो डेफिनेटली बड़ी उसके अंदर एफर्ट रहे इन अ सेंस के कंपाइलेशन करना और कितना पूरा क्विक बना तुमने के ना उसका रेहान एक विजुअल। कितना क्विक. मैंने रेहान से रिक्वेस्ट की. मैंने रेहान कर से समथिंग. रेहान कह रहा है मैं 2 मिनट दीजिए मुझे. 2 मिनट के बाद वो चीज 8 10 मिनट के बाद आ गई. फिर आगा जकी ने क्विकली काम करके कर दिया. सो आई लव दैट प्रोडक्शन. नाइस जॉब. मैंने हर जगह शेयर में भी बहुत सारी जगह पे किया इसको. इवन के ईदी फाउंडेशन के लोगों को आगा जकी ने तो मैं बताना भूल गया. शेयर बता रहा था मुझे आगा जकी ने सबको फॉरवर्ड कर दिया. वो आगे उसको सब जगह जो है लगाएंगे. गो अहेड. अब हमारे पास बता दो. मैं बल बता दूंगा एक बिल्कुल, घंटा हो रहा है. हमारे पास हमेशा से हमारा गोई 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 गोई. या बिल्कुल हमेशा से हमारा कहना ये होता है कि प्रायोरिटी और हमारी कभी भी ये नहीं होती कि कोई चीज बहुत पॉपुलर हो जाए, नोन हो जाए। अगेन खालिद भाई पीएमई के रूहे रवां, पीएमई के दूल्हा, पीएमई के सीईओ डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं। पगाड़ा साहब मैं इनके साथ मौजूद होके इनको कहीं असिस्ट शामिल बाजा लाचारी मौजूद साहब हूँ। लाचारी बट साहब. अगर 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 हमने इसको बहुत ज्यादा मकबूल बनाना होता तो किसी ऐसे आवर्स में हम ये शो कर रहे होते जिस वक्त लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा होती है, टैगिंग कर रहे होते हैं एक एक हफ्ते पहले शो को प्रमोट करने के लिए, जो है ना मुख्तलिफ लेवल पे हम अनाउंसमेंट्स कर रहे होते। लेकिन हम एक बहुत कैजुअल मैनर में, बहुत इजी रिलैक्स जो गपशप हम फोन पे करते होते थे वो हम यहाँ करते यहाँ हैं, करते कुछ काम की बातें शेयर कर लेते हैं, कुछ आपकी इनपुट ले लेते हैं। एंड डेफिनेटली हमारा दिल यही चाहता है कि आपकी कोई भी पॉजिटिव इनपुट हो, कोई भी पॉजिटिव क्रिएटिविटी हो जिसको आपको लगता है कि दुनिया के सामने डिस्प्ले करना चाहिए, तो पीएमई और पीएमई से जुड़े वो तमाम लोग जो अपने लेवल पे किसी ना किसी फोरम को के ऊपर राइट रखते हैं, अपनी कमांड रखते हैं, तो आपको वहां से मजीद ब्रांचेस मिलती हैं और आपको नॉन पॉपुलर अपना मैसेज पहुंचाने में बड़ी मदद मिलती है। बिल्कुल सर. पीएमई का आज का ये प्रोग्राम एज सच, इसमें हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी थी, बस आप लोगों की याद आ रही थी, ऑफ हम आए, हमने कोर्स आके आपसे बातचीत मुझे की। तुम्हारी याद आ रही लेकिन दोस्त. अगर ऑन अ क्विक बिल्कुल और ऑन अ क्विक बिल्कुल नोट अगर हम आज के उसका टेक अवे देख लें पूरे प्रोग्राम का, तो पीएमई के हवाले से इलेक्शन डेफिनेटली एक नेशनल इवेंट है और उसके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि एंटरटेनमेंट का पार्ट कवर करें, बाकी इलेक्शन की पॉलिटिक्स से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह एडी साहब के हवाले से आपको एक याद दहानी रिमाइंडर हमने कर दिया, क्रिकेट के हवाले से आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया भाई पाकिस्तान जबरदस्त ने जबरदस्त, और एकदम जो है ना वर्ल्ड रैंकिंग में T20 में पाकिस्तान की टीम नंबर वन पे आ बड़ी चुकी है बात है. सर, टी ट्वेंटी मुबारक हो आपको, बड़ी बात है। सॉकर वर्ल्ड कप फुटबॉल जबरदस्त चल रहा है, इंग्लैंड ने अपनी जगह बना बना ली, ली. मतलब सॉकर जिसको जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फुटबॉल कहा जाता है, यूएसए में सॉकर कहते हैं लोग, और बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने नो वाला डाउट सॉकर वर्ल्ड कप जिसके अंदर यूज होने वाली बॉल पाकिस्तान. पाकिस्तान की बॉल से लोग खेल हाँ रहे वो हैं। कह रहे हैं पाकिस्तानी खालिद अच्छा भाई बॉल पाकिस्तान की अपन भी बॉल कर रहे हैं. पाकिस्तान की बॉल से आप खेल रहे हैं ये बड़ी बात है. क्या यार, ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान की बॉल से दुनिया खेल रही है, ये तो फिर बात. फुटबॉल है। पाकिस्तान तो जब तक पाकिस्तान है वेल जरूर बॉल्स जो है ना तैसी. हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए।
ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान की सियालकोट बेस्ड बॉल्स जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है नो डाउट। कब से है, कब और से देखो पूरी यार, दुनिया में उससे खेला जाता है। सारे टूर्नामेंट से होते हैं। या खालिद भाई टॉपिक, खालिद भाई आपने सेंसिबली टॉपिक को चेंज किया ना भाई। क्योंकि आपने बॉल्स का जिक्र किया तो मुझे पता था आप कहाँ जा रहे नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रहा था यार। वेल टॉप ऑफ दैट हैं। कोक स्टूडियो, जोहेब काजी अली हमजा का एक्सप्लोरर जरूर देखिएगा, पीएमई पे तमाम क्लिप्स मौजूद हैं। और मजीद जबरदस्त कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज, कुछ नजीब भाई का जबरदस्त शो एक होने वाला है मौसम उसके खान बारे के में भी साथ भी आपको है, और बताएंगे। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। मोहसिन खान के साथ भी बड़ा जबरदस्त शो है। और खालिद भाई का एक, इनफैक्ट खालिद भाई ने अपना एक जबरदस्त, बहुत कोई 80 साल बाद अपना एक पेज भी बना अबे लिया। हाँ यार, तो वेल जो लोग हैं अगर वो चाहें तो खालिद भाई के पेज पे भी जा सकते हैं ऑफ यार। कोर्स खालिद भाई का अपना पेज है भाई, लव यार। यू गाइस मैन, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर प्लगिंग इन रेहान, या बहुत शुक्रिया रेहान मैन। डेफिनेटली डेफिनेटली वेलकम अतीन आजाद, थैंक यू सो मच। जबरदस्त जबरदस्त। डू नॉट फॉरगेट टू कम नेक्स्ट वीक, बिकॉज यू नो सम टाइम वी कैन कॉन्टेक्ट यू एंड देन वी डोंट गेट टू डू अ शो हियर। पीपल आस्क मी, आई स्वर टू गॉड झूठ नहीं बोल रहा, तालिब शेरवानी और अजीज सब आते हैं मुझे कहते हैं यार व्हाट, नो पर्सनल गेट पर्सनल खाना, आई एम सॉरी मैन, रेहान हैज बीन बिजी, आई वाज बिजी एंड आई वाज सिक द अदर वीकेंड, सो रेहान दे मिस यू एंड यू आर ऑलवेज वेलकम मैन, क्या हो गया। यार बिफोर आई लीव, एक एक साहब के कमेंट मैंने अभी अभी देखे हैं, हाँ और कमेंट पढ़े ना भैया, मैं हो नहीं सकता कि इस कन्वर्सेशन को एंड कर दूं उनको इंडोस किए बगैर, अच्छा जिनका नाम है सैयद अली खान, अली इकबाल, अस्सलाम वालेकुम सैयद बेसिस्ट अली भाई। अली भाई, और अली भाई के साथ बड़ा खूबसूरत मेरा टाइम गुजरा खालिद भाई, हमने एक बैंड फुल रेंज के नाम से साथ काम किया। डीजी कॉम का हमारा ये जबरदस्त पाकिस्तान में इंटरनेट लॉन्चिंग कंपनी जो हुआ करती थी। और अली भाई क्या जबरदस्त म्यूजिशियन है, क्या जबरदस्त बजाते हैं, एंड बिसाइड म्यूजिक क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है। बिल्कुल जब भी इनके साथ बैठते हैं बड़ी मजेदार गपशप रहती है और बहुत मजा आता है। अब कनाडा में होते हैं, टोरंटो के अंदर, आई विश खालिद भाई हम लोगों का टोरंटो जाना बनता है यार, बनता है यार, वहां पे नजीब बड़े फारूकी सारे ने के तो जमा हुए इनवाइट हुए करेंगे, थक किसी गए हम लोग। एक एक नजीब के पास तो पल जाएंगे हम लोग जाके, आपको पता है वो तो वहां पालन मौजूद है। हर लेकिन होने पर असद है, हमारे अली भाई है, अपना इतने सारे लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है कि मेरा और आपका टोरंटो का एक विजिट बनता इंशाल्लाह है और ताला, एक यूसुफ बड़ी को भी से। लेके चलेंगे यहाँ से, और क्या है यार, यूसुफ को भी धक्का क्यों, चलने की निकल भाई साथ हाँ चल। बिल्कुल अच्छा मैं क्विकली देख लूँ तुम्हारे जाने से पहले, ये जरूरी कुछ बातें ना मिस हो जाए वरना तो मिस श्योर करूंगा, क्या प्लीज। हो गया एक सेकंड। नीचे से ऊपर ऊपर से, क्योंकि मिसबा ने भी एक बात की है, मिसबा मिसबा आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्टफ के, अब तुम्हें तो पता तुम रिसेंट देखा होगा अपने पेज पे, मैं इंडियन इंडियन गाने भी गाता हूँ तो अपने प्रोफाइल पे पेज पे भी कभी कभी प्रोफाइल पे, तो उसमें क्या ही हो कि मैंने शुरू किया एक खातून इंडिया की, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ के, हमारे मेंबर भी हैं शुरू से संगीता के साथ, तो वो पब्लिक को पसंद आया, तो मुझसे मिसबा कह रहा है बार बार कह रहा है मिसबा, ये रेहान व्हाट्स योर से ऑन खालिद्स कैरियोकी हिट लास्ट वीक, नॉट अबाउट मी, ही इज टॉकिंग अबाउट जनरली अबाउट कैरियोकी, व्हाई इट्स अ होल बिग टॉपिक, आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट इट नेक्स्ट वीक बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक, वी हैव टू टॉक अबाउट। क्या है रेहान मैं तुम्हें बता दूं, ये देखो कैरियोकी कुछ तरीके रीजंस की वजह से हमारे म्यूजिशियंस के तबके इंक्लूडिंग मी तो यू में एक सेकेंडरी जॉनरा, सेकेंडरी पोजिशन में आने वाली चीज समझी आती है, जॉनरा की बात नहीं कर रहा, और ये कि जो कोई सिंगर का कोई सिंगर या म्यूजिशियन कोई कैरियोकी करते बोला कैरियोकी क्या है यार म्यूजिक, तो ये मैं इससे अग्री करता था पहले, लेकिन रिसेंटली आप एक साल पहले मैंने जेन बदला, मैंने कहा इट्स नॉट राइट, पीपल लाइक दीज थिंग्स, सो यू कैन नॉट नॉट डू इट, वी हैव टू टॉक अबाउट द होल थिंग नेक्स्ट वीक इफ यू गेट प्रिपेयर्ड, अनलेस यू हैव अ क्विक आंसर राइट नाउ, बट दिस इज द होल टॉपिक वी हैव टू टॉक अबाउट, मी एंड मिसबा हैव बीन टॉकिंग अबाउट, मिसबा वांट्स अस टू स्टार्ट द कैरियोकी एंड आई सेड आई डोंट नो मैन, इट्स ऑन पीएमई। खालिद भाई देखें, बात बात निकलेगी तो दूर तलक बिल्कुल जाएगी। सही, मैं अगर आप मुझसे कोई पूछेगा कि खालिद शोएब के कैरोकी गाने को, खालिद शोएब के गाना गाने को मैं क्या कमेंट करना चाहता हूं, मैं ये फिर ये बात बड़ी, मेरा ओपिनियन खालिद भाई के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट है। खालिद भाई बाज दफा मुझे लगता है कि ये आइडेंटिटी लॉस्ट का गेम हो सकता ऑफ है आपके कोर्स लिए, ऑफ इन अ सेंस कोर्स, कि आपकी वजह शोहरत एज अ कीबोर्डिस्ट, कीबोर्डिस्ट के बाद हमने आपको जाना एज अ कंपोजर जो म्यूजिक कंपोज करते, फिर आपका आपका एक और स्किल है जिसमें आप लिरिक्स लिखते हैं, मीटर में गाना लिखना, टॉपिक पे फीलिंग्स को मुश्किल बिठाना, हुआ, एक अलहदा आपका आर्ट है, थैंक यू ठीक है। मैन, उसके बाद अब चौथी चीज है कि आप एज अ सिंगर, हाँ आपको सही गुनगुनाने वाले अंदाज में सिंगर है और फिर कैरोकी सिंगर,
अब कैरोकी में मैंने जितना आपको सुना ना, वो एक गाने को डिफाइन कर रहा है, वो खालिद शोएब को डिफाइन ऑफ नहीं कर कोर्स रहा। सब मतलब तो पप्पी ले लूंगा आपकी बात पे, पप्पी ले लूंगा यही बिल्कुल मैं सोचा। गो अहेड क्या हुआ। तो मेरे लिए वो मेरे लिए मिसबा भाई, मेरे लिए वो अनसेटिस्फैक्ट्री नोट था। ठीक है मुझे नहीं लगता खालिद भाई मेरे ख्याल में को, वो खालिद भाई को कमर्शियल कैरोकी करना वो चाहिए। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की वैसे आज मिसबा ने मेरे ख्याल में बोली बात की पब्लिक यू नो समटाइम वी हैव टू फॉलो व्हाट पीपल वांट सो समटाइम वी पीपल वांट टू गेट सम गुड शूज वी डोंट सेल शूज हियर सो आई थिंक दैट्स हाउ वी शुड ट्रीट कैरियोकी आई थिंक राइट हियर इन पीएमई आई डोंट थिंक आई डोंट नहीं नो बिकॉज़ वी डोंट डू दीस थिंग आई डोंट नो व्हेदर टू से यस और नो नहीं आई मीन समटाइम करने को सर, करने को तो कुछ भी हो सकता है। बस हमें कितने आते हैं लोग गंजों के शहर में कंघी बेची जा कंगी भेज जाते हैं लेकिन कितने लोग हमें ट्रैक सकती भेजते हैं कि कैरियोकी ट्रैक एंड वी जस्ट हैव टू टेल देम दैट वी जस्ट डोंट डू दैट इट्स अबाउट 90s एंड बियॉन्ड ओरिजिनल म्यूजिक और द कवर्स म्यूजिक ओवर वी हैव डन इंस्ट्रूमेंट बज रहे हो पीछे ट्रैक बज रहा कोई बुरी बात तो नहीं है मेरे नजदीक मैं खुद करता हूं लेकिन यार लेकिन आई डोंट नो ये वी हैव टू टॉक अबाउट इट फर्दर मोर रियान इज गेटिंग वेरी लेट मिसबा कुछ कह रहा है खालिद भाई वो मिसबा कहते हैं ना कि या जी श्योर मिसबा कह रहा है आई एम सॉरी मैन मिसबा सॉरी भाई इंटरप्ट यू डैन ये मिसबा क्योंकि बात कन्वर्सेशन वहीं जा रही है मिसबा हंस रहे हैं देन देन से यार माय पॉइंट इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द एमेच्योर वोकलिस्ट्स टू डिस्प्ले देयर टैलेंट एंड दोज डू नॉट हैव म्यूजिशियंस अराउंड अच्छा बात सही बुरी भी नहीं है शब्बीर जिया तुम के ताल्लुक से मैं इसकी एग्जांपल इस मिसबा को ट्रांसलेट कर दूं बुरी बात को शब्बीर जिया यूज्ड टू बी एन अमेजिंग इंडियन गाने गाते थे हिट होता था उसके अपने भी एल्बम आए कमाल हुए आके खोलो ना खोलो ना खोलो ना लेकिन स्टेज पे शब्बीर जिंदगी पर फेमस शब्बीर जिया किशोर कुमार सारे भी गाने में गाते थे लेकिन अब रिसेंटली मैं जो सुनने में आया वो कि वो सिर्फ कैरियोकी कर रहा है सो आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दैट सो ही इज काइंड ऑफ राइट ही इज नॉट रॉन्ग ऑन दैट कि शब्बीर का तो एक्सेप्शन बात है कि शब्बीर तो कैरियोकी कर रहा है लेकिन कैरियोकी इज म्यूजिशियन के लिए उनके लिए जो या म्यूजिशियन अराउंड नहीं है गिटारिस्ट नहीं है उनको ऐसी गाना पड़ता खड़े होकर ये वाली बात सही है उसकी बुरी नहीं है गुड यार देखें देखें कैरोकी हर वक्त अलाइव है, एक हर वक्त एक ब्रीफ केस म्यूजिक दुनिया में अपनी जगह रखता है। कहीं भी जाके आप कैरोकी पे लोगों को एंटरटेन कर दें, छोटी सी रूम गैदरिंग में ट्रैक्स पे गा लें। फिर उसका प्रॉब्लम जो देखने में आता है वो सिर्फ ये आता है कि एक तो लाइव नहीं म्यूजिशियंस आती है कैरोकी के साथ कंफर्ट लेवल आता नहीं है, ठीक है। फिर 90% शब्बीर जिया हो या और बहुत सारे लोग जो कैरोकी पे करते हैं, जो रेडीमेड ट्रैक है उस पे वो अपना सुर मैच करने की वो करते कोशिश हैं करते जैसा हैं, भी किए ठीक हो वही है, की मैच भी नहीं करती कभी कभी की जैसे भी किए उस पे गाना पड़ता है। बिल्कुल अब या तो फिर एफर्ट लेवल ये हो कि आप कैरोकी ट्रैक्स बनाएं और बनाए फिर अपने स्केल से बिल्कुल बनाएं, सही या फिर आप उन सॉफ्टवेयर को यूज करें जो स्केल चेंजर्स होते हैं हाँ जो आपके आपके लेवल पे लाके खड़ा हाँ करें, ताकि ठीक है। खराब ना हो तो गाना फिर वो थ्रो हो जाए, फिर वो -1 ट्रैक वाली बात हो जाएगी, फिर वो कुछ किसी और शेप में कहानी चली जाएगी। ठीक है कैरोकी से इख्तिलाफ राय नहीं है, हाँ कैरोकी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कैरोकी किसी को सूट करता है और किसी को बिल्कुल सूट नहीं करता। तो ये थोड़ी सी एक फाइन लाइन इसको है इसको वही ये कहते हैं ये जेनेरिक हो अगेन। जाता है म्यूजिक ये कहने का लोग आर्गुमेंट जो सुना ना यार मैंने वही तुमने भी सुना होगा कि यार म्यूजिक जो है ना वो जेनेरिक टाइप का हो जाता है बिल्कुल जस्ट लाइक कॉमन है बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बर्गर बॉर्न फ्रॉम अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट और अ बर्गर फ्रॉम डॉलर मेन्यू फ्रॉम मैकडॉनल्ड ये वो हो जाता है बर्गर तो बर्गर है भाई लेकिन मतलब भाई ये यूं समझ लीजिए कि घर घर में आलू भरे पराठे बने हो और साथ में रायता हो और चटनी हो और अचार हो, या फिर आप जो है ना डॉन के पराठे ले आए और उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खाएं, माइक्रोवेव तो आई मीन है वो भी पराठा, लेकिन लेकिन जो आलू भरे पराठे बारिश में आदमी बैठ के आम की चटनी के साथ खा ले, भाई इमेजिन मतलब करें बारिश हो रही है आपकी वाइफ या तो हमारी वाइफ जिसकी वाइफ बैठ के पराठे बना रही है बच्चे मकैनो खेल रहे हैं मकैनो मुझे याद रहेगा यार मकैनो नहीं भूलेगा मुझे मकेनो नहीं आज की खेल। कल जो गलत भाई, तमाम लोग यहाँ पे जाना इजाजत चाहेंगे जा यार, मेरे चाहिए व्हाट ख्याल अ से बहुत ब्यूटीफुल लंबी देर नोट होगी ऑन और लोगों को बहुत देर हमने एंगेज किए। रेहान बिल्कुल, लास्ट वर्ड सिर्फ एक हाँ एक मुनीर नियाजी के या खूबसूरत कथा के साथ में करूंगा कि पता नहीं मुझे लगा आज की कन्वर्सेशन में इसकी जगह बनती है इस बात की, बनाओ इसलिए कर रहा हूँ, ऑफ ना कोर्स शायरी ना वायरी ये वो। ना 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 बनाओ ना तुम्हारी शायरी हमेशा मजा आता है एक सुनने में मुझे नासिर रॉय इज वाचिंग बाय द वे या ओके गो अहेड एक एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना, आदत ही बना ली है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना।
जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच रेहान अहमद, रेहान गॉड ब्लेस यू, राइट, डू नॉट फॉरगेट, थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएट यार, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मच लव, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर सेल्फ, मैन मेरे चमकदार पक्के दोस्त अहमद रेहान आपके सामने जो है आपने, मुझे कभी भी होता ही नहीं है कि फिक्र हो के कहीं गाने गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं, बट रेहान इज ऑलवेज देयर, रेहान हैज व्हाटएवर यू नीड टू नो, रेहान हैव सम काइंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, मिसबा बहुत शुक्रिया तुम्हारे खास साहब इनपुट का, गॉड ब्लेस यू, मिसबा सीक्वेंसेस इज एसेट ऑफ आवर म्यूजिक इन 90s, नासिर ऑलवेज वाचिंग, मिसबा कह रहा है टू रेहान स्केल्स एंड मैचिंग द नोट्स इंपॉर्टेंस हैंडीकैप, ऑफ कोर्स अमरीन फहद अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई देखिए तुम्हारा, तुम्हें दोस्त नजीब फारूकी कह रहे हैं रहना हो जाए, बिल्कुल Of course, man. Okay, but we will resume the discussion next week, inshallah. Tala. Ali Kwan, bhai, bahut shukriya. Thank you. Mizbah, yaar, main jo chiz nahi padh saka na, wo I'm gonna, of course, do that. Aap log hi comment jo reh gaye hain. Amreen keh rahe hain, aap dono ki baatein hamesha bahut mazedar. Aur haqeeqat aur kya scale par hoti hain. Main Amreen ka jo ye pin kar doon taaki baad mein padhun isko main. To, bahut shukriya. Main, ek second, main aa gaya. Jaate jaate note hai na, wo note main aapko. रहना मैंने शुरू में कह दिया था नजीब, मैं तुम्हारे लिए एक बात और कहता हूँ, एक जल्दी जल्दी से कहता हूँ, रहना हंसते रहना, अरे आंसुओं की बातें आंसुओं से कहना, लेकिन इससे पहले मैं खत्म जो करूंगा इस पे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया पहली बार, थैंक यू वेरी मच तालिब शेरवानी एंड एवरीबॉडी हु जस्ट जॉइन एंड लेफ्ट एंड केम बैक एंड सबको गेट पर्सनल खालिद रेहान से, मेरी तरफ से खालिद शुएब अहमद रेहान की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आते रहिए भाई, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी गोना डू दैट, मीनवाइल यू सी रॉक विद यूसुफ के अंदर शो होने वाला जबरदस्त, मौसम खान आने वाले हैं चाय विद नजीब में, एंड इसके अलावा दो तीन और शो हैं जैसे बिया खानम भी आपके साथ, यू बिया खानम सच अ नाइस टैलेंट शी इज, और मैं बाकी तला आपको इंशाल्लाह कौन से खिताब में दे दूंगा, लेकिन कैसी अच्छी बात है जेल में जाते जाते नजीब, थैंक यू आई अप्रिशिएट यू, आई लव यू फॉर दैट नजीब, रहना इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स आई मेड, बहुत छोटी सी बात है क्या, खुदा हाफिज़ कह दिया आपको मैंने, तो मैं घर के बंद कर दूंगा, ठीक है, अरे दिए जलाए रखे अपने घर के, दिए दरीचों से है घर की आंबान, दिए जलाए रखे अपने घर के, दिए दरीचों से है घर की आंबान, अपना घर ही अपना रोशन पाकिस्तान, अपना घर ही अपना रोशन पाकिस्तान, अपना घर ही अपना रोशन पाकिस्तान, ओ सलाम और सलूट के साथ, थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, लव यू गाइस, एवरीबॉडी इफ्ती मलिक एंड एवरीबॉडी मोहसिन खान एंड ऑल ऑफ यू गाइस, गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इन अनदर एपिसोड ऑफ गेट पर्सन विद खालिद अल रेहान, सलाम अलैकुम मिन खुदा ही।